ऋषिता जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, जो है आपकी कठपुतली इतनी बड़ी हिट हो गई है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई थी और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं उसको, क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है. उम्मीद नहीं थी, मतलब उम्मीद होती है हर फिल्म के साथ कि कुछ अच्छा हो, बट ऐसा होगा मुझे नहीं यकीन था. बिकॉज़ एक तो हमने जब इसकी शूटिंग भी की थी, वी आर जस्ट कम आउट ऑफ कोविड टाइम्स, एंड देन जिस तरीके से सिनेमा का, यू नो, वी आर सीइंग द, यू नो, काइंड ऑफ, यू नो, पीपल आर गोइंग लेस टू थिएटर्स. मुझे लगता है ओटीटी पे आई है तो और लोगों ने भी देखी, लोगों को पसंद आए, मेरे किरदार को प्यार दिया, और खुशी तो है ही बहुत ज़्यादा. और ये खुशी है कि मैं इंटरव्यूज़ भी कर रही हूँ आफ्टर द फिल्म रिलीजिंग, तो एक ऑनेस्ट फीडबैक मिला है लोगों का, एंड आई कैन ट्रूली सेलिब्रेट दैट. ऋषभ, कहानी की बात की जाए तो क्या सोच के आपने कहानी चुनी थी? आपको एक अक्षय कुमार की बहन का रोल? गुड गुड क्वेश्चन. ये सबने पूछा और जब मैंने ये हाँ भी कर दिया तो मैंने सोचा मैंने ये ऐसे रोल में, यू नो, जब कोई कहता है कि अक्षय कुमार की या जो भी मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी बहन का रोल हो, या यू नो, यू आर प्लेइंग मदर, यू आर प्लेइंग भाभी, यू आर प्लेइंग अ कॉप, यू आर प्लेइंग एनी ऑफ दोज रोल्स वेर टिपिकल जो हमारे दिमाग में है, वेर आई डन मेल लीड फिल्म्स एंड वुमन सेंट्रिक फिल्म्स, जो मैंने काफ़ी अलग अलग टाइप की फिल्में की हैं, तो जब ऐसा कोई मुझे ऑफर आया तो एक सेकेंड के लिए तो डेफिनेटली आई वुड लव टू. आई इन्जॉयड ऑल्सो वर्किंग विथ अक्षय सर, एंड ही वॉज लवली टू वर्क विथ, बहुत ही सपोर्टिव है. मगर जब हाँ बोला था तब तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी, बट देन इट ऑल चेंज. जो सीन्स थे वो मैंने जब पढ़े, मुझे तब लगा एक्चुअली, जब यू नो दो स्क्रिप्ट दी गई थी, जो किरदार जो मेरा है वो एक बहुत ही पिवटल और महत्वपूर्ण रोल है. वो अर्जन सिंह जो, यू नो, अक्षय जी का रोल है, इट शोज़ दैट शी वॉज अ मेन फैक्टर वाई देर वॉज अ चेंज इन हिम, एंड क्योंकि ये किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैंने इसे हाँ कर दी. और हाँ करा तो फिर लोगों ने इतना प्यार भी दिया. मैं ऑडियंस को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज की तारीख में दे डू नॉट लुक एट एनी थिंग, यू नो, इन अ डिफरेंट परसेप्शन चेंज हो चुका है. हमारी इंडस्ट्री का भी परसेप्शन चेंज हो चुका है. ये सारे जितने भी रूल्स थे वो एक टाइम पे होते थे, इफ़ यू लुक एट इट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तब भी, यू नो, लोग उसे अलग तरीके से देखते थे. अब तो कंटेंट ही मैटर करता है, किरदार मैटर करते हैं, और कोई अगर ऐसा कह भी दे तो लगता है कि ऐसी जो बात करता है तो वियर्ड लगती है. क्योंकि एक टाइम पे होता था कि हीरोइन कांट प्ले मदर, शी विल नॉट प्ले, उसकी बेटी नहीं होगी, उसका ये नहीं होगा. अब बदल गया है, एंड आई थिंक आप अच्छे एक्टर हैं तो आप अच्छे काम करें, और कंटेंट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. तो चाहे आप उसे जिस तरीके से उसे ब्रैकेट में जोड़ डालना चाहें. कहानी की बात की जाए तो कहानी एक ऐसे जुर्म की थी, मतलब एक लड़का रहता है जो बहुत ही टीज किया हुआ रहता है, मतलब उसको बहुत लोगों ने टीज किया है, वो एक खूनी बन जाता है. आजकल की तारीख में ऐसा होता है, बट इंडिया में ये सब ऑफेंस को इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ये एक तरीके की सोशल मैसेज देने वाली भी फिल्म है. लोगों ने जब पूछा भी कि ऐसी टाइप की है, थोड़ा सा क्राइम है इसमें, थोड़े से सीन्स, मैंने भी इनफैक्ट जब ये फिल्म आई तो ये जिस तरीके का जो मैसेज जाना चाहिए, मैं मानती हूँ कि ऐसी फिल्में बनती भी हैं और ये बनी है, तो आई थिंक एक अवेयरनेस भी क्रिएट करेगी. और मुझे अच्छा लगा सुनकर कि आपने ये फिल्म देखी है, तो लोग जो देख कर इसे बात कर रहे हैं, इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट्स टाइम दैट पीपल गेट अवेयर. और जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उससे प्रभावित होते हैं और उसी से हम सीखते भी हैं. तो कोई भी मैसेज अगर हम पहुंचाना चाहते हैं तो हम विजुअल मीडियम से भेजते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो व्हाट बेटर देन टू मेक अ फिल्म लाइक दिस. अक्षय कुमार की बात की जाए तो अक्षय कुमार के साथ काम करते हुए आपको क्या एक्सपीरियंस था? आपके साथ कितना प्रैंक खेले, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं कि हमेशा सबके साथ प्रैंक खेलते हैं. नहीं, वो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत फन लविंग है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है. इनफैक्ट जब सीन्स भी कर रहे थे, इतना उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया दैट आई कैन, यू नो, इमोट एंड द केमिस्ट्री, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल दैट इतना एक्सपीरियंस है, दे सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. ही इज़ फन लविंग, और प्रैंक तो कई बार सीन्स होते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि हंसी ना छूट जाए, बट माहौल बहुत ही, यू नो, ईजी गोइंग एंड हैप्पी था. आई ऑल्सो इन्जॉयड, क्योंकि वाशु बगनानी जो उनके साथ मैंने ऑलरेडी काम मैं कर चुकी हूँ, एक फिल्म आउट ऑफ कंट्रोल मैंने की थी रितेश देशमुख के साथ, तो मेरे लिए माहौल वैसे भी इट वॉज लाइक फैमिली, एंड आई थरली इन्जॉयड वर्किंग ऑन द फिल्म.
आपके प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करें, आप वेनिस इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी गई थी एज अ जज बन के गई थी? नो, आई हैड गॉन एज डेलीगेशन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इफी विच इज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आई एम ऑन द स्टीयरिंग कमिटी. वेल, मैं इनफैक्ट हिस्सा रह चुकी हूँ 2017 में इन द प्रीव्यू कमेटी, 2018 में भी रह चुकी हूँ, मगर इस साल खास है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, आई मीन सॉरी, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड द रीज़न फॉर अस टू इवन ब्रिंग दिस काइंड ऑफ यू नो इन्वॉल्वमेंट, दैट इंडिया से अगर डेलीगेशन जा रहा है इटली, और आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड बाई द इटालियन फिल्म फेस्टिवल, मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आई वॉज अ कॉमन ब्रिज, वी कुड गो अलॉन्ग विथ यू नो दी NFDC चेयरपर्सन एंड अदर टू मेम्बर्स. हम जाकर यू नो फिल्में देख रहे थे, वी हैड टू हैव पैनल डिस्कशंस टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इंडिया, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दोनों कंट्रीज़ में और बहुत सारे कंट्रीज़ में हाउ वी कैन बिल्ड अ ब्रिज एंड बिल्ड अ कॉमन ऑडियंस. तो आज की तारीख में तो यही है, इट्स ऑल अबाउट सिनेमा, इट डजेंट मैटर वॉट लैंग्वेज. एंड वेनिस में ये खास था कि क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी है, हमने क्लासिक सेक्शन में सत्यजीत रे की फिल्म दिखाई, शतरंज के खिलाड़ी, और वो फिल्म मेकर ऐसे हैं जो जिन्होंने हमें इंटरनेशनल स्टैंडिंग दी है, वो इज़ वन ऑफ दोज वेरी सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स. एंड वेनिस फिल्में गई हैं हमारे इंडिया से पर कम गई है, तो इस साल से शुरुआत हुई है दैट इंडिया इज़ बैक टू वेनिस, एंड कान से शुरुआत हुई है जहाँ पर फिल्म मेकर्स गए और अपनी फिल्में दिखाईं. तो मैं मानती हूँ कि अब इंडिया में एक बहुत ही अच्छा यू नो वो चल रहा है, इट्स अ डिफरेंट एरा वेयर लॉट ऑफ फिल्म्स विल बी मेड. फॉरेन को प्रोडक्शंस हमने इनक्रेज किए हैं, विल बी गिविंग यू नो 30% इंसेंटिव टू फॉरन फिल्म प्रोडक्शंस. एंड मैं मानती हूँ कि डेफिनेटली इंडिया इज़ यू नो द कॉन्टेंट हब, 2024 तक वी विल बी नंबर वन फॉर श्योर. ऑलरेडी वी आर अ लीडिंग नेशन एज फार एज सिनेमा इज कंसर्न. हम इंडिया की बात करते हैं तो वेनिस में भी यू नो पीपल थिंक इंडिया एज फिल्म एंड सिनेमा, एंड दैट इज़ हाउ दे नो द कंट्री. सो आई मीन इट्स अ वेरी लवली एंड अ प्राउड मोमेंट. OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आपको लगता है एक्टर्स के लिए OTT प्लेटफॉर्म एक सेफ मीडियम हो गया, क्योंकि थिएटर्स में इतनी फिल्में चल नहीं रही हैं, क्या है रीज़न? मतलब कि आप तो जानती हैं अच्छे से क्या रीज़न है, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, लोग जो है काफ़ी जो है मतलब कि एक्टर्स को लेकर बॉयकॉट की जा रही हैं फिल्में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मतलब कि सेफ मीडियम से ज़्यादा आई थिंक इट हैज़ बिकम एन एडिशनल मीडियम, क्योंकि एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस के लिए यू सी हमारे देश में देर इज सो मच ऑफ टैलेंट. एंड लाइक आई एम सेइंग कि इसे हम कॉन्टेंट हब इसलिए कहते हैं क्योंकि देर इज़ टैलेंट, देर इज़ कॉन्टेंट, देर इज़ सो मच टू टेल इन द स्टोरी. हम आई मीन यू नो इन दिस कंट्री आई बिलीव वी आर अ स्टोरी टेलिंग नेशन, वी आर समबडी हु हैज़ हमारा डांस, आप डांस देख लीजिए या थिएटर देख लीजिए, पेंटिंग्स देख लीजिए, कल्चर देख लीजिए, सिनेमा, आई थिंक हमने हमेशा कहानी बताई है, और कहानियों को आगे लाना फिल्म में एक ही माध्यम था, अब फिर टेलीविज़न आया, फिर OTT. आई फील वो प्लेटफॉर्म है बहुत सारे एक्टरों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, टू शोकेस देयर टैलेंट. एंड मैं मानती हूँ कि अगर जैसे मैं बात करूँ कोई और देश में जाकर, तो मुझे उस देश का अगर कुछ देखना है तो मैं कैसे देखूँगी? तो आई फील दैट इज़ द यू नो इट्स लाइक बिल्डिंग अ ब्रिज. इफ़ आई वॉन्ट टू, अगर किसी को हिंदी फिल्म देखनी है तो वो अगर दूसरे देश में है तो वो कैसे देखेंगे? तो आई थिंक एक तरीके से इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो. कई फिल्में आती हैं जो हम सिर्फ फेस्टिवल हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज ऐसी फिल्में देखने मिलती हैं जो हम शायद TV पे या सिनेमा में नहीं देख पाते हैं, एंड वाइस वर्सा. तो आई डोंट थिंक सिनेमा हैज़ एनी बाउंड्री. उससे और मीडियम्स खुल गए हैं और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम मेटावर्स और यू नो वर्चुअल रियलिटी की बातें कर रहे हैं और हो भी रही हैं ऐसी फिल्में. तो आई थिंक वी शुड ये जो एक इट्स अ फियर वाला फेज बिफोर द एक्चुअल मेटामॉर्फोसिस हैपेंस वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू ओनली एक्सपैंड. बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में क्या कहेंगे आप? कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है फिल्म इंडस्ट्री को? क्या बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में? ओ आई थिंक ये सब बस ऐसी हवाबाजी, देयर आर सम काइंड ऑफ वर्ड्स दैट पीपल यूज, आई डोंट नो व्हाई दे यूज इट.
आई फील वी शुड बी ओनली बॉयकॉटिंग दीज फिक्सेशंस के ओ यू नो दिस इज सो एंड सो दैट इज सो एंड सो लेट्स ऑल इट्स जस्ट ब्रिंगिंग एवरीबडी टुगेदर एंड वी आर टॉकिंग इंडियन सिनेमा. अगर आप देखेंगे तो हिंदी फिल्में डब करके रिलीज की जा रही हैं, कुछ रीजनल फिल्में जो बनती हैं जो सुपर हिट होती हैं वो डब करके बन जा रही हिंदी में हमें देखने मिल रही हैं. तो आई थिंक इट्स अमेलगमेशन ऑफ सिनेमा. आई डोंट थिंक इट इज़ एनी थिंग कॉल्ड ये इट्स अ ग्रेट वर्ड चर्चा करने के लिए, क्योंकि चर्चा बहुत ज़रूरी है हमारे देश में. एंड आई डोंट थिंक एनी थिंग कॉल्ड बॉयकॉट रियली एग्जिस्ट्स. ओके, एंड लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? Well, I will be working on some very interesting work. I've already started my television. I still consider doing, but I already have been hosting a show on DD National, which is called Rangoli, jo bahut hi purana show hai, and they, you know, I am doing it, and they want a younger face, so they have started doing it and enjoying it also. Purane gaane, themes pe baat karna, quite interesting hai, Sunday subah aata hai. And a very special project will be Swaraj, which is more special because मैं मानती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये एक यू नो विजन है दैट ये उन्होंने देखी दो एपिसोड उन्होंने देखे और उनका कहना है कि युवा पीढ़ी में ये दिखाई जाए ताकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हो. इट्स स्पीकिंग अबाउट अनसंग एंड संग हीरोज़ और ये जितने महानायक हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कुछ हम खुद नहीं जानते हैं. And I think it's a great tribute to give them. Aaj agar hum 75 years of independence mana rahe hain, to then it is because of them. And jis tarike se wo series banayi gayi hai, the grandeur and the color and the craft is beautiful. And 75 heroes ke baare mein hai, beginning 1478 to 1947. So Portugal invasion se shuru hoti hai. And usme main mera jo episode hoga wo Rani Lakshmibai pe hoga. Or something which is she's very very well known. She's still in our hearts and you know amongst people's memories. Magar aur kafi content ban chuka hai, magar this is special because there's so much research done, the way it is done, and ek aisa challenging kirdar nibhana and warrior princess, it has been very exciting. Okay, and lastly kya message dena chahenge aap fans ko? Main kehna chahungi thank you for all the love and appreciation, not just now but for so many years that you all have given me, and I think that keeps me going. Ek sawal aur mera puchna tha ki matlab ki aapne 2001 mein Ashoka se apna career chalu kiya, tab se lekar abhi tak ki aap kya journey dekhti hain apni, plus aap Indian cinema ko kitna grow hote hua dekh rahi hain? Well, jab maine shuruaat ki thi, maine to modeling se shuruaat ki thi, and I was doing some music videos and having fun. तब सोचा भी नहीं था, शायद एक साल के लिए मैंने तो फिल्मों को मना भी कर दिया था. फिर आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स आई गॉट अ ग्रेट ब्रेक विद अशोका, और तब भी मैं मानती थी कि बिकॉज आई वाज सो यंग आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई वाज इन नो हरी, आई वांटेड टू डू सिनेमा दैट इज़ रिमेंबर्ड. आउट ऑफ 50 फिल्म समटाइम्स आप कई फिल्में करते हैं लेकिन जो याद रहती हैं वो शायद ही पाँच हो कुछ लोगों के लिए. तो फिर आई फेल्ट आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ सम ग्रेट सिनेमा विच वॉज यू नो ऑलरेडी उस दौर में भी बहुत बदलाव आ रहे थे. एंड काफ़ी मैंने स्क्रिप्ट ऐसी भी की जो अहेड ऑफ टाइम्स थी, जो आज भी लोग याद रखते हैं, एंड कुछ कमर्शियल फिल्में की. फिर मैं मानती हूँ कि एक OTT वाला जो यू नो एक फेज़ आ गया जब से टेलीविजन में चेंजेस आए, OTT में चेंजेस आए, लॉट ऑफ वर्क मैंने रीजनल फिल्में भी की काफ़ी इन अदर लैंग्वेजेस, अच्छी कहानियाँ. और मैंने हमेशा माना है कि For me, cinema has been cinema. There has been no कि मैं language as a barrier मानूँ, and इसलिए मैंने experiment भी किए काफ़ी languages में. So it's been a different time, and today it's different because I mean this is what I had a vision of when I started with Indian films. और जब मैं पहले कहती थी तो सब लोग मुझे थोड़ा सा सोचते थे कुछ ज़्यादा ही, you know, she's over ambitious saying that I wish someday cinema will have progress to making really really good content, and you know your script will be your hero. Of course we want to be, you know, worshipped, and hamara desh hai, it's a hero driven nation, and cinema ke bina mujhe lagta hi nahi ki koi ek insaan bhi ho jo cinema na dekhe kaise bhi karke. So I think that kind of change has happened, and I think it will be the best time for cinema in the coming future. Okay, thank you. Thank you.